जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिना किसी रुकावट के रिसोर्सेज का सवाल और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। क्या हमारे पास आज और फ्यूचर में सबके लिए काफी खाना और एनर्जी होगी? अब ऐसा लगता है कि हमारे रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने का तरीका दो शेरों को एक तीर से मारने जैसा हो सकता है, या दो शेरों को एक पेड़ से बचाने जैसा। मुझे पता नहीं, पॉइंट ये है कि खाने और एनर्जी दोनों की प्रॉब्लम्स का जवाब एग्री वोल्टाइक सोलर सिस्टम्स में हो सकता है। आइडिया ये है कि एग्रीकल्चर और सोलर पावर को यूज करके होलिस्टिक इकोसिस्टम्स क्रिएट किए जाए जो दोनों का पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सके। ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और क्या ये सच में ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन को सस्टेन करने का सोल्यूशन हो सकते हैं? आज हम इसके बारे में फ्रीडम ऐप पर बात करेंगे। अगर आपने कभी भी सोलर फार्म के पास से गाड़ी चलाई है तो एक चीज जो आपने नोटिस की होगी वो ये है कि इन्हें काफी स्पेस चाहिए होती है। जरूरी है, क्योंकि इतनी स्पेस ही इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए होती है जो इन्हें वायबल बनाए, और आमतौर पर यह अच्छी बात है। लेकिन इनकी साइज का एक ड्रॉबैक ये है कि इनके नीचे की जमीन बेकार हो जाती है। ये उन फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो अपनी जमीन को सोलर और ट्रेडिशनल फार्मिंग दोनों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेन इशू ये है कि पैनल्स के रोज के बीच का स्पेस मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट के गुजरते हुए काफी छोटा होता है। एक और इशू ये है कि पैनल्स खुद प्लांट्स तक सनलाइट को पहुंचने से रोक देते हैं। इस बारे में हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। आज के सोलर पैनल्स का एक आखिरी इशू आयरोनिकली हीट से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल ग्राउंड, इसके बारे में बात करते हैं। माउंटेड फोटोवोल्टाइक पैनल्स के नीचे यूजुअली ग्रेवल होती है। स्टडीज ने एक्चुअली ये दिखाया है कि ये हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। बेसिकली ग्रेवल हीट को अब्सॉर्ब करके वापस रेडिएट करते हैं, जिससे छोटे छोटे हीट के पॉकेट्स या आइलैंड्स बनते हैं जिनकी टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया से ज्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि यकीन मानो सोलर पैनल्स को ज्यादा गर्म टेम्परेचर पसंद नहीं आता। अगर सोलर सेल्स ज्यादा गर्म हो जाए तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। पैनल्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब इनका टेम्परेचर 59 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस तक हो। लेकिन एक सोल्यूशन दोनों इश्यूज को एक साथ सॉल्व कर सकता है, और ये है एग्रीवोल्टाइक्स। ये वर्ड, जैसे आपने गेस किया होगा, एग्रीकल्चर और फोटोवोल्टेक्स का कॉम्बिनेशन है, और कॉन्सेप्ट ये है कि नॉवल इकोसिस्टम्स क्रिएट किए जाएं जिसमें क्रॉप्स और सोलर पैनल्स एक साथ काम करें दोनों का पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए। सुनने में ग्रेट लगता है, राइट? लेकिन ये कैसे काम करेगा एग्जैक्टली? जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था, जब सॉइल ग्रेवल हीट अब्सॉर्ब करते हैं तो ये पैनल्स के नीचे ट्रैप हो जाते हैं। तो एग्रीवोल्टेक पैनल्स के साथ, या शॉर्ट में APVs, सॉइल के बजाय फार्मर्स पैनल्स के नीचे वेजीज प्लांट करेंगे। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन लेते हैं अपने पोर्स या स्टोमेटा खोल के, तो ये अपने पत्तों से पानी भी ट्रांसपायर करते हैं, जिससे एक कूलर माइक्रोक्लाइमेट क्रिएट होता है, हीट आइलैंड इफेक्ट कम होता है और सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बूस्ट होती है। एग्रीवोल्टेक्स के लिए एक चैलेंज ये है कि ऐसी ऑप्टिमल डिजाइन बनाई जाए जो लाइफ स्टॉक या क्रॉप फार्मिंग के सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके, और साथ ही सोलर पैनल्स के कॉस्ट को भी लो रख सके ताकि ये प्रॉफिटेबल रहे। ये कई तरीकों से किया जा सकता है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के साथ सोलर प्लांट डिजाइन सोलर ओनली प्रोजेक्ट से ज्यादा चेंज नहीं होती। एनिमल्स बेनिफिशियल होते हैं सोलर फार्म्स के लिए, क्योंकि ये वेजिटेशन ग्रोथ को मेंटेन करने का कॉस्ट कम कर सकते हैं बिना पैनल्स को कोई नुकसान पहुंचाए। कुछ फार्म्स ने तो सोलर प्लांट्स को छोटे लाइफ स्टॉक जैसे चिकन्स, गीज, शीप और इवन बी कीपिंग के लिविंग एरियाज में इंटीग्रेट कर दिया है। 2016 में NL ग्रुप ने ग्रीस में शीप का यूज करके अपने सोलर पैनल्स के आसपास लॉन मो करने का काम शुरू किया, जिससे ग्रोथ को मेंटेन करने का कॉस्ट और फ्यूल कंजप्शन दोनों कम हो गए। इन इंस्टेंसेस में लेकिन पैनल्स के नीचे की जमीन अब भी यूजेबल नहीं होती, और लार्जर लाइफ स्टॉक जैसे सुअर, बकरी और कैटल के साथ चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? वेल, जस्ट लाइक टोनी हॉक, जवाब वर्टिकल है। वर्टिकली माउंटेड बाइफेशियल पैनल्स दोनों साइड से सोलर एनर्जी कलेक्ट करते हैं, इसीलिए बाइफेशियल। ये ट्रेडिशनल सिंगल फेस पैनल से ज्यादा एनर्जी पर स्क्वायर मीटर अलाउ करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
इन पैनल्स के कुछ दिलचस्प फीचर्स भी हैं जो इन्हें फार्मिंग के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इन पैनल्स के माउंट होने का तरीका बीच में और नीचे ज्यादा स्पेस बनाता है, जो खेती के औजारों के लिए ज्यादा जगह बनाता है। साथ ही इन्हें बड़े जानवरों से बचाए रखता है। असल में डिजाइन के हिसाब से इन पैनल्स को मशीनरी से स्टिल्ट्स को बचाने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ता है, जिससे लैंड सरफेस ज्यादा प्रिजर्व होता है। इन पैनल से एक स्लाइट विंड शील्डिंग इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है, जो हायर विंड स्पीड्स वाले एरियाज में लैंड और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। कुछ पैनल्स को एक्चुएटर्स के साथ भी फिट किया जा सकता है, जो उन्हें अलग अलग दिशाओं में टिल्ट करना अलाउ करते हैं। ये फार्मर्स को सोलर एफिशिएंसी और प्लांट ग्रोथ दोनों ऑप्टिमाइज करना अलाउ कर सकता है। इन मॉडिफिकेशंस के साथ भी सब क्रॉप्स एक समान एपीवी से बेनिफिट नहीं लेते। असल में रिसर्च ने दिखाया है कि कुछ पर्टिकुलर प्रजाति के प्लांट्स कुछ पर्टिकुलर रीजंस में सोलर पैनल्स के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट चाहिए होता है। हमने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पे एक पूरा वीडियो बनाया है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो क्या सोलर पैनल्स के शेडिंग से प्लांट्स को नुकसान होता है? वेल, हमेशा नहीं। जबकि सनलाइट प्लांट ग्रोथ के लिए एक क्रूशियल एलिमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में फोटो प्रोवाइड करता है। प्लांट्स एक्चुअली अवेलेबल सनलाइट को बायोमास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब प्लांट्स लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो वो और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। जब प्लांट्स उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को पानी इवेपोरेट करके निकालते हैं। कुछ प्लांट्स का थ्रेशोल्ड दूसरे से ज्यादा होता है। सन प्लांट्स या शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स को हायर लेवल्स ऑफ सनलाइट चाहिए होता है। ये वो सर्फर प्लांट्स होते हैं जो सारा दिन धूप में मजे करते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स पार्शियल शेड में बेटर करते हैं। ये उन राइटर्स जैसे होते हैं जो अपने कंप्यूटर के सामने डेज तक बैठ के अलग अलग टाइप्स के सोलर टेक्नोलॉजी रिसर्च करते रहते हैं। दोनों ग्रुप्स के प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट होता है, लेकिन एक ग्रुप का ज्यादा हाई होता है। फिर भी दोनों ग्रुप्स एटलीस्ट पार्शियल शेड से फायदे ले सकते हैं, ताकि उन्हें सनबर्न ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि कुछ क्रॉप्स के साथ सोलर पैनल्स को पेयर करना एक्चुअली एक कोऑपरेटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है, जिसमें प्लांट्स और पैनल्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे वर्क करता है, चलिए जानते हैं। ग्रोइन लेविन बेवा ग्रुप का एक सब्सिडरी जर्मनी में ने कई पायलट प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए हैं, देखने के लिए कि एग्रोवोल्टेक पैनल सच में असली दुनिया में कैसे काम करते हैं। लोकल फ्रूट फार्म्स के साथ काम करते हुए ग्रुप ने व्हीट, पोटेटोस, सेलरी और अन्य किस्म के बेरीज जैसे क्रॉप्स पे फोकस किया। बेरीज नोटोरियस फ्रेजाइल क्रॉप्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रुप ने करीब 3 हेक्टर्स, जो 7.5 एकर्स के बराबर है, को एक 2 मेगावाट एग्रीवोल्टेक फार्म में कन्वर्ट किया, जबकि 1 हेक्टर को ट्रेडिशनल फार्म के रूप में अपने कंट्रोल ग्रुप के लिए छोड़ा। टिपिकली रास्पबेरी जैसे क्रॉप्स उगाने के लिए किसान प्लास्टिक कवर का उपयोग करते हैं, वल्नरेबल बेरीज को ओवर एक्सपोजर से बचाने के लिए, सिर्फ सनलाइट नहीं बल्कि हवा, बारिश और दूसरे एलिमेंट से भी। इन एक्सपेरिमेंट्स के डेटा ने दिखाया है कि गर्मी के दिनों में पैनल्स के नीचे के तापमान ट्रेडिशनल ग्रोइंग मेथड से 2 से 5 डिग्री ठंडे थे। इससे कई फायदे हुए। एक, प्लांट्स पे काफी हद तक कम हीट स्ट्रेस था, और दूसरा, सॉइल से एवेपोरेशन कम था, जिससे पानी की जरूरत कम हो गई। रात को सोलर पैनल्स के नीचे हीट प्लास्टिक कवरिंग से ज्यादा अच्छे से रिटेन होती थी। इन प्लास्टिक शीट्स को हटा देना किसानों के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, जो अक्सर इन्हें साल भर रिप्लेस करते रहते हैं, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म से तबाह हो जाती है। असल में एक्सपेरिमेंट के दौरान समर स्टॉर्म्स के समय पैनल्स के नीचे के क्रॉप्स को कोई हानि नहीं हुई, जबकि कंट्रोल फील्ड का हार्वेस्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये रिजल्ट्स एक एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं है। उस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने चिली पेपर्स और टमाटर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। पेपर्स की उपज एग्रीवोल्टेक के साथ कंट्रोल से 3 गुना ज्यादा थी। पानी की एफिशिएंसी टमेटोज के लिए 65% और एल्पिनोज के लिए 157% ज्यादा थी। प्लस एक्सपेरिमेंटल पैनल्स कंट्रोल से करीब 9 डिग्री सेल्सियस ठंडे थे, जिससे बेहतरीन बिजली की प्रोडक्शन हुई। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए एग्रीवोल्टेक पैनल्स को राइट क्रॉप्स के साथ पेयर करना खास तौर से ज्यादा गर्म और एरिड रीजन्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। दोनों
पैनल्स और प्लांट्स के लिए। तो क्या हम दुनिया भर के फार्म्स में ज्यादा एग्रीवोल्टाइक सोलर पैनल्स देखने वाले हैं? वेल, ये काफी मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक बड़ा कंसर्न किसानों के लिए ये है कि एग्रीवोल्टाइक पैनल्स इंट्रोड्यूस करने से उन्हें सरकार से मिलने वाले सब्सिडीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोनों EU और US लैंड के प्राइमरी एग्रीकल्चर के लिए यूज होने पे ग्रांट्स ऑफर करते हैं। एक जरूरी सवाल ये होगा कि क्या किसान फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर वो ऐसे सोलर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऐसे परसेंटेज पे आके निश्चित हो सकता है कितना लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है और कितना सोलर के लिए डेडिकेटेड है। कंस्ट्रक्शन और परमिट कॉस्ट को बेहतर उत्पादन के साथ ऑफसेट करना हेड टर्न करने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन जैसे ज्यादातर चीजें होती हैं, ये मार्केट पे निर्भर करेगा कि इस उभरती टेक्नोलॉजी का क्या होगा। एग्रीवोल्टाइक सोलर ट्रेडिशनल सोलर से ज्यादा एनर्जी यील्ड नहीं करता। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन कॉस्ट पर KWH पुराने सोलर से 10-20% ज्यादा हो सकती है। दूसरे फैक्टर्स ये हैं कि पैनल से प्रोड्यूस हुई एनर्जी से एक्चुअली मुनाफा कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नेदरलैंड्स में किसान ना तो इन्वेस्टर्स होते हैं और ना ही सोलर इंस्टॉलेशंस के मालिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस पर लाइक या फिर इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मन में कोई सवाल है या फिर ओपिनियन है उसे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल देन, वंस अगेन, हैप्पी फार्मिंग।